चलिए बॉयज एंड गर्ल्स देखिए आस्ते, तो भाइयों और बहनों देखिए सर, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो बॉयज एंड गर्ल्स आज हम लोग एमएम का फोर्थ चैप्टर पढ़े, मतलब एमएम का तीन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और एचआरएम का तीन चैप्टर कर चुके हैं। अभी एमएम का कौन सा चैप्टर कर रहे हो? फोर्थ। तो एमएम का फोर्थ चैप्टर आज आपको पढ़ाने आ रहे हैं। आप लोग जो लोग यूट्यूब से क्लास कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसमें ऐड हो जाओ, ठीक है, और व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ उसमें भी ऐड हो जाइए। ये नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक क्या है? देखिए आज एमएम का, एमएम मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट का फोर्थ चैप्टर, कैसा चैप्टर बताइए? फोर्थ हम लोग स्टार्ट कर। तो भाइयों और बहनों अब एमएम का फोर्थ चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करिए। पहला क्लास है फोर्थ चैप्टर का, देखते हैं कितना दिन तक चलता है। देखिए सबसे पहला इसमें दो टॉपिक है, एक प्राइसिंग और एक डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्या बाबू बताइए, दूसरा क्या बोलो? पहला क्या बोलिए, दूसरा? ओके फाइन, तो नाउ व्हाट इज प्राइसिंग? सबसे पहले प्राइसिंग क्या है? तो देखो जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है, जब भी कोई प्रोडक्ट डेवलप होता है, डिजाइन होता है, तो उसके बाद उसका हम लोग प्राइस सेट करते हैं। क्या सेट करते हैं? वो प्राइस। तो प्राइसिंग क्या है? तो प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द प्राइस। प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग द प्राइस। जब आप किसी प्रोडक्ट का दाम सेट करते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइसिंग। आप सोचिए ना, कोई भी सामान अगर हम बना रहे हैं, बनाने के बाद तो नहीं होगा ऐसे, बनाने से, बनाने के बाद उसका दाम सेट करना जरूरी। तो प्राइसिंग का मतलब क्या बताइए? तो प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस। प्राइसिंग का मतलब क्या है बाबू? प्राइसिंग का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस, इट इज द, इट इज द, इट इज द, इट इज द ऑफ फिक्सिंग द प्राइस। कोई भी सामान का, कोई भी जब आप दाम सेट करोगे ना, क्या सेट करोगे? दाम। इसको बोलते हैं प्राइसिंग। क्या होता है बाबू? प्राइसिंग। क्या बोलते बताइए? प्राइसिंग। तो प्राइसिंग का मतलब होता है दामकरण। क्या होता है बाबू? दाम। जैसे कोई नया नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो उसका क्या होता है? नामकरण। कोई बच्चा आता है दुनिया में तो उसका नाम नहीं इस सेट करते हम लोग, एक्स वाई जेड जो भी इसका नाम है, तो पहले क्या होता है? नामकरण। वैसे कोई मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट आता है तो उसके बाद क्या होता है? दामकरण। क्या होता है बाबू? दामकरण मतलब क्या? उसका दाम कितना होगा। तो प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसिंग एक प्रोसेस है जहां पे प्रोडक्ट का हम लोग क्या सेट करते बताइए? दाम। क्या सेट करते बोलिए? प्राइस। अच्छा व्हाट इज प्राइस? द बिग क्वेश्चन इज प्राइस क्या है? तो भाइयों और बहनों प्राइस इज द वैल्यू, प्राइस इज द, प्राइस इज द, प्राइस इज द पेड बाय द बायर, पेड बाय द, पेड बाय द, पेड बाय द टू द सेलर, टू द फॉर द प्रोडक्ट। प्राइस क्या है? प्राइस एक वैल्यू है जो कौन देता है? बायर। किसको देता है? सेलर को। क्यों देता है? प्रोडक्ट के लिए। प्राइस इज द वैल्यू पेड बाय द टू द फॉर द, तो प्राइस एक वैल्यू है जो बायर पे करता है। किसको पे करता है? सेलर को। किस लिए पे करता है बताइए? प्रोडक्ट के लिए। तो प्राइस इज द वैल्यू पेड बाय द टू द फॉर द, प्राइस इज द पेड बाय टू द फॉर द प्राइस कर। आपके पास जब तक वर्ड्स नहीं रहेंगे, कंटेंट नहीं रहेंगे, तो आप आंसर लिख नहीं पाओगे, क्योंकि ये एमसीक्यू नहीं है, नॉन एमसीक्यू। एमसीक्यू रहने से लाइन पढ़े आगे बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉन एमसीक्यू में लाइन पढ़ के उसका वर्ड्स भी आपको कंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप बना के कितना लिखिएगा? जब तक आप लिख क्यों नहीं पाइएगा, तब तक नहीं लिख पाइएगा जब तक आपके पास शब्द नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? तो इसी ज्ञान के साथ जल्दी से बताइए, प्राइसिंग मतलब प्रोडक्ट का क्या फिक्स करना? प्राइस। एंड व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज द वैल्यू, प्राइस इज द, प्राइस इज द, प्राइस इज द पेड बाय टू द फॉर द, प्राइस इज द पेड बाय टू द फॉर द, वेरी गुड। प्राइस इज द वैल्यू पेड बाय द बायर टू द सेलर फॉर द प्रोडक्ट। यस और नो गाइस? अब इसी ज्ञान के साथ थोड़ा आगे बढ़ते भाइयों और बहनों, जब भी कोई आदमी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करता है, जब भी हम लोग कोई सामान का दाम सेट करते हैं, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव चेक किया आता है। कोई भी सामान का दाम ज़्यादा होगा या कम होगा, सामान महंगा होगा या सस्ता होगा, सस्ता में मिलेगा कि महंगा में मिलेगा, ये डिपेंड करता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है सेल्स ऑब्जेक्टिव। सेल्स ऑब्जेक्टिव मतलब इफ आपका ऑब्जेक्टिव सेल बढ़ाना है, मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि हमको ज़्यादा सेल करना है, तो आप सामान क्या बेचोगे? सस्ता। सस्ता वो लोग बेचते हैं ना जो लोग ये चाहते हैं कि मेरा सामान ज़्यादा बिके, ज़्यादा कस्टमर के हाथ में जाए। सो इफ आई वॉन्ट कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों के हाथ में जाए, तो हमको प्राइस क्या करना पड़ेगा? कम। तो जिन लोग का दिमाग में ये चलता है ना कि मेरा सामान ज़्यादा लोगों के हाथ में जाए, उन लोगों को प्राइस क्या रखना पड़ता है बताइए? सस्ता। क्योंकि इंग्लिश में एक लाइन है, चीप प्रोडक्ट अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। सस्ता सामान जो है उसमें कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, याद रखिएगा। तो जो सामान सस्ता होगा लोग उसके पीछे ज़्यादा जाएंगे, लोग उसके पीछे ज़्यादा भागेंगे। तो चीप प्रोडक्ट अट्रैक्ट मोर कस्टमर। अगर मान लीजिए आपका पीछे बहुत दीवाना है, तो आप अभी ये बात समझ लीजिए, चीप प्रोडक्ट अट्रैक्ट मोर कस्टमर होता है ना, बात समझ रहे? अगर आपका बहुत दीवाना है
वो दिखते नहीं आप लोग, बहुत सारा बच्चा लोग होता नहीं है। देखिए मीन क्या होता है, आदमी लोग का देखिए, आदमी लोग इधर देखिए, आदमी लोग का माइंडसेट होता है ना, एक तो आदमी लोग का देखिए कभी भी को, आप लोगों में ज्यादातर बच्चे मेच्योर्ड हो, समझदार हो, बट कुछ बच्चों का अंदर क्या है ना, अभी भी बचपना है। अगर मान लीजिए कोई थोड़ा तारीफ कर देता है तो आप खुश हो जाते हो। देखिए थोड़ा बहुत कोई तारीफ कर दे इसका मतलब खुश होने का कुछ भी नहीं, ये नॉर्मल सा चीज़ है। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए बहुत तारीफ कर दे रहा आपका, आप खुश हो जा रहे हो, दो चार लोग आपके पीछे घूम रहे हैं आप खुश हो जा रहे हो, दो चार लोग आपको मैसेज करे कि आई लव यू मैसेज करे आप खुश हो जा रहे हो, तो समझ लीजिए क्या, चीप प्रोडक्ट अट्रैक्ट मोर कस्टमर, याद रखिएगा। क्योंकि आप एक्सपेंसिव नहीं अपने आप को बनाए हो, आप अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बनाए, कोई भी एबला डेबला आपको मैसेज कर दे रहा, इसका मतलब क्या, आप अपने आप को क्या बना दिए, इजीली अवेलेबल टू, इजी एक्सेसिबल। जैसे देखो कॉमर्स का ही लैंग्वेज, कॉमर्स का लैंग्वेज में आपको अपना बात समझा देंगे, जैसे वर्ड रहता है इजी एक्सेसिबिलिटी, जहाँ पर लोग आसानी से पहुँच सके, इजीली अवेलेबल, जो बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में, बात समझ रहे ना, चीप प्रोडक्ट, क्या बाबू चीप प्रोडक्ट, रास्ता पे एकदम ठेला पे जो कपड़ा बेचता है आदमी लोग, वहाँ पे भीड़ रहता है नहीं रहता, क्या है भीड़ रहेगा, बहुत भीड़ रहता है, भीड़ बहुत रहता है, लेकिन सब कस्टमर भी वैसे रहता है, 100-150 रुपये वाले सामान लेने वाला। लेकिन आप बड़े बड़े मॉल्स में जाओ, वहाँ पे एक बहुत कम भीड़ रहता है, बात समझे। तो ये क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट है, एक माइंडसेट है आदमी का, समझिए। मतलब यहाँ से आप अपने जिंदगी में भी सीख सकते हो कि ऑलवेज ट्राई टू मेक योरसेल्फ एक्सपेंसिव, हर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट मत कर लीजिए, या हर लोग अगर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोचिए कि आप चीप प्रोडक्ट बनने वाले, क्या बनने वाले चीप प्रोडक्ट, फिर आपका वैल्यू खत्म। आप देखोगे कोई लड़का या कोई लड़की जो सबसे बात करता है उसका कोई इज्जत नहीं होता, आप देखिए जो सबको नंबर बांट दिया है, लो आओ मेरा नंबर लो, लो मेरा नंबर लो, हमको मैसेज कर दे, देखो कि उसका मार्केट वैल्यू बहुत कम है, मार्केट वैल्यू मतलब समझ रहे, कोई उसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, जो तो आपसे मजाक कर ले रहा है, जो तो आपको बोल दे रहा है, क्यों बताइए, आपने आपका अपने आप को कौन सा प्रोडक्ट बना लिया, चीप प्रोडक्ट। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू मेक योरसेल्फ एक्सपेंसिव, बस चाहे वो ये जो आपको हम एग्जांपल दे रहे, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, अपने ऊपर ही अप्लाई करिए, डोंट मेक इट योरसेल्फ अवेलेबल टू एवरीबॉडी, डोंट मेक योरसेल्फ चीप, क्योंकि सेल्स ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई सामान सस्ता होगा तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर ज़्यादा आएंगे। तो एक पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है, सेल्स ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अगर कोई सामान, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई सामान बिजनेसमैन ये सोचता है कि हम ज़्यादा बेचेंगे तो उसको अपना प्रोडक्ट कैसे बेचना पड़ेगा बताइए, सस्ता। दूसरा है प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, सुनिएगा, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बताइए, आपका पर्पस अगर प्रॉफिट कमाना है तो आप ऑब्वियस सा बात है सामान महंगा बेचोगे, सिंपल सा रीजन है। देखिए प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव फोकस ऑन प्रॉफिट, दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक आपका प्राइस हाई नहीं होगा, प्राइस हाई होगा मतलब आप सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो तो आप प्रोडक्ट को महंगा बेचोगे। अगला है स्टेटस ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव, कुछ कंपनी ऐसा होता है ना जो जिसका माइंडसेट में रहता है कि हम अपना प्रोडक्ट का स्टेटस डाउन होने नहीं देंगे, और स्टेटस भी प्राइस से ही बनता है। इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इंटरेस्टिंग मार्केटिंग समझिए, स्टेटस ऑल्सो कम्स फ्रॉम द प्राइस, चीप प्रोडक्ट्स आर नेवर स्टेटस बूस्टिंग, सस्ता सामान कभी स्टेटस बूस्ट नहीं करता है, महंगा सामान स्टेटस बूस्ट कर देता है, आपके स्टेटस को बढ़ा देता है। तो जब कंपनी चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट, जैसे आईफोन, आप देखो ना इस जमाने में हम लोग रह रहे जहां पर ये वीवो ओप्पो इतने सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, 10,000-15,000 में अच्छा अच्छा फोन मिल जाता है, वहां भी आप ओप्पो का वीवो का 15,000-10,000 में जैसा फोन पाते हो, ठीक वही फीचर्स वाला फोन अगर आप आईफोन में लेने जाएंगे तो 50,000-60,000-70,000 कम से कम पड़ेगा। अब सोचिए क्यों नहीं कम किया अपना प्राइस को, ये प्राइस अपना इसलिए कम नहीं किया क्योंकि कंपनी नहीं चाहता था कि मेरा स्टेटस डाउन। इसीलिए आप देखिए हर ब्रांड का वैल्यू नॉर्मल हो चुका है, लेकिन आईफोन का ब्रांड अभी भी वैसे का वैसे है, क्योंकि जब तक वो महंगा रहेगा तब तक उसका स्टेटस होगा, जिस दिन वो सस्ता हो जाएगा उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, डाउन, याद रखिएगा। तो देर आर सम ब्रांड्स विच नेवर वॉन्ट टू डिक्रीज देयर प्राइस, कुछ ब्रांड्स ऐसे होते जो अपना प्राइस डिक्रीज नहीं करते, क्यों नहीं करते, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेंटेन द स्टेटस, क्योंकि वो क्या मेंटेन करना चाहते हैं, स्टेटस। उसके बाद है अच्छा कोई भी सामान का दाम और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो पॉइंट को भी आप इसके साथ ना फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस के साथ उसको भी अटैच कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव मतलब अगर आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना तो आप सामान महंगा बेचोगे, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है सेल्स को मैक्सिमाइज करना तो आप सामान सस्ता बेचोगे, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है स्टेटस मेंटेन करना तो आप सामान महंगा बेचोगे। क्यों? क्योंकि स्टेटस हमेशा महंगा से ही होता है, सस्ता सामान कभी भी स्टेटस को बूस्ट नहीं करता है। आप अगर टैक्सी से ट्यूशन पढ़ने आइएगा तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप BMW कार से आइएगा, ऑडी कार से आइएगा, जगुआर से आइएगा, पोर्श गाड़ी से आइएगा तो आदमी आपको घूर घूर के देखेगा, क्योंकि मैटर करता है। तो मेरा भी स्टेटस बढ़ जाएगा, मेरा ट्यूशन का स्टेटस बढ़ जाएगा, आदमी बोले बाप रे का स्टूडेंट लोग है पोर्श गाड़ी से पढ़ने के लिए, यार बस आप भाड़ा का ही आइए कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को बोल दिए छोड़ देंगे। तो इसीलिए वही बात यहां पे बोला कि महंगा सामान ही अट्रैक्ट करता है, महंगा सामान जो है ना, देखिए अस्ते महंगा सामान ही, बात समझिए। एक बात बताइए, जैसे हमको ट्यूशन पढ़ा रहे, अब ये जब हम लोग पुराना कोचिंग से नया कोचिंग में शिफ्ट किए, इतना सारा चीज मॉडिफाई किए, अगर मान लीजिए हम वो वाला बोर्ड लेके आते तो रोज आप एक तो कमेंट कर देते,
ऐसा आपको कोई बेनिफिट नहीं है उससे, लेकिन एक तो होता है ना टोन मारने का आदत होता है एक तो आदमी का, तब रोज एक तो कमेंट कर देते कहा भैया एक तो 800 का बोर्ड लगा के रखे, तो ये क्या होता, तो ये क्या है जबरदस्ती का ये बोर्ड लगाना पड़ा, बस समझ रहे ना क्या है स्टेटस मैचिंग, कौन सा मैचिंग होता है ये स्टेटस, और महंगा सामान ही स्टेटस को मैच कर सकता है, सस्ता सामान स्टेटस को मैच नहीं कर सकता, ये होता है कि इसीलिए आदमी महंगा सामान पर फोकस करता है। अच्छा अगला है, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सस्ता होगा या महंगा होगा। सुनिएगा, प्राइसिंग इज अ इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड वेन एवर यू सेट द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, ये कौन कौन से चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर कोचिंग का एक बुक भी हम लोग बनाते हैं उसका दाम अगर 70 रुपया 80 रुपया 100 रुपया भी है तो हम लोग सोचते हैं कि क्यों 100 रुपया ही क्यों, 200 क्यों नहीं, 500 क्यों नहीं, 800 क्यों नहीं, 40 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं। तो कोई भी सामान का दाम ऐसे रैंडमली सेट नहीं होता है, रात में सोए सुबह उठ के देखे दाम सेट कर दिया, नो, प्राइसिंग इज नेवर डन लाइक दैट। प्राइसिंग हमेशा हम लोग क्या करते हैं बताइए, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और वो फैक्टर्स क्या क्या है बताइए, पहला बहुत सारा फैक्टर एक एक करके पढ़ाएंगे, पहला तो ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा है प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, आपको पढ़ाया था इससे पहले वाला चैप्टर में, हर एक प्रोडक्ट चार स्टेजेस से गुजरता है, इंट्रोडक्शन ग्रोथ मेच्योरिटी डिक्लाइन, इंट्रोडक्शन ग्रोथ मेच्योरिटी डिक्लाइन। तो कोई भी प्रोडक्ट जब नया नया बाजार में आता है ना तो थोड़ा सस्ता होता है, काहे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, जियो का एग्जांपल देख लीजिए, जियो जब बाजार में आया था तो पूरा फ्री कर दिया 6 महीना, कहे आपको आदत लगा दिया, आपको नशा लगा दिया, एंड वंस यू गॉट एडिक्टेड टू जियो अब आप पैसा दीजिए, अब आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर पैसा लेने लग गया तो आदमी बोला चलो थोड़ा सा पैसा दे दे रहे, अब इतना महंगा कर दिया रिचार्ज, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते। देखिए इंसान भी ऐसे ही होता है ना, कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी के साथ ऐसे ही खेलता है, पहले आपको अपना आदत लगाएगा, फिर आपको अपना एडिक्शन लगा देगा, और जब आप एडिक्टेड हो जाओगे फिर आपको ब्रेकअप कर लेगा, आपको लात मार के भगा देगा। तो इससे क्या होगा, सेम जियो आप लोगों के साथ ऐसे ट्रीटमेंट किया, पहले जियो क्या किया बताइए, जियो हम लोगों के साथ पहले क्या किया बताइए, जियो तो ऐसे ही किया ना, जियो पहले फ्री में 6 महीना दिया, 6 महीना जियो फ्री में बेचा, प्राइस बस दो अस्ते, क्योंकि प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी स्टेज में, इंट्रोडक्टरी मतलब प्रोडक्ट मार्केट में नया नया आया है, अगर प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोडक्शन हुआ है तो सस्ता रहेगा क्योंकि कस्टमर को अट्रैक्ट करना था। उस समय डोकोमो, उस समय वोडाफोन, एयरटेल, यूनिनॉर, बहुत सारे सिम कंपनी थे, जो बहुत सारे एयरसेल, बहुत सारे कंपनीज थे, आइडिया, बहुत सारे कंपनीज, अच्छा खासा चल भी रहा था, सब सबका अपना अपना मार्केट था। लेकिन जब से जियो आया, पहले इंट्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, सारे लोगों में फ्री में यूज़ कराया, फ्री में यूज़ कर लिया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्या किया, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया, फिर आपको इंटरनेट का आदत लग गया, फिर प्राइसिंग हो गया, और अब देखिए प्राइस हाइक हुआ, तो बहुत सारे कंपनी ने क्या सोचा कि जब जियो महंगा होगा तो BSNL वाला लोग सोचा ना कि सस्ता किया थोड़ा सा प्राइस, तो आदमी इस ये सोच करके BSNL को सस्ता किया, मतलब जियो के कंपैरिजन में सस्ता किया, सस्ता मतलब फ्री नहीं कर दिया, फ्री कर देता तो आप लोग चले जाते, बस समझे कस्टमर तो स्विच हो जाता है, लेकिन कंपनी BSNL बोला ठीक है जियो बढ़ाया हम थोड़ा कम कर देते, लेकिन जियो कंपनी इतना आदत लगा दिया था ना, आपको सोचो एक सिम कार्ड जो हम 5 साल से चला रहे, ना आई वॉन्ट स्विच दैट, अब हम उसको चेंज नहीं करना चाहेंगे, अब आदमी कोई कॉम्प्लिकेशंस में कौन जाएगा, तो चलो 5 रुपया 10 रुपया एक्स्ट्रा वो आदमी दे दे रहे, तो आदमी कहाँ चेंज हुआ, कस्टमर कहाँ चेंज हुआ, और कंफर्टेबली आप यूज़ कर रहे हो, आपको उतना बुरा भी नहीं लग रहा, इट इज इन प्राइस बढ़ो दाम बढ़ गया, अच्छा ठीक है, एक कैजुअल रिएक्शन, कोल्ड रिएक्शन, वही बात यहाँ पे बोला कि आदमी कोई भी सामान जब महंगा होता है ना, सबसे पहला स्टेज होता है उसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन स्टेज में सस्ता होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोथ में जाएगा प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ेंगे उसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा, ग्रोथ स्टेज में बहुत प्राइस रहता है, जब उसका डिमांड बहुत, जैसे जियो का डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है तो जियो महंगा कर दिया, समझ, ग्रोथ स्टेज में। अगला है कंज्यूमर, आप सामान का जो दाम सेट करते हो ना, तो आपको ना अपना कस्टमर देख के सेट करना चाहिए कि आपका कस्टमर कौन है, हुम यू आर टारगेटिंग, हुम यू आर सेलिंग द गुड्स, आपको ये समझना होगा कि आप किसको सामान बेच रहे हो और कौन आपका कस्टमर। जैसे हम आपको बीकॉम का पढ़ाई पढ़ा रहे, अब मान लीजिए हम लोग का कोर्स फीस क्या है 1500-2000, ऐसे हम लोग कोर्स फीस नॉर्मली रहता है कोई भी सेमेस्टर में ऑनलाइन के लिए। अब आप सोचिए कि अगर हम लोग CA का पढ़ाई कराते तो 1500-2000 में तो नहीं पढ़ाएंगे, कॉमन सवाल सोचिए। तो जो अगर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा स्टूडेंट है आपका, कौन आपका टारगेटेड कस्टमर्स, किसके लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो, किसके लिए आपने कोर्स डिज़ाइन किया, आप कोई बैंक UPSC ये सब का तैयारी कराएंगे, UPSC का कोर्स का कोर्स फीस बहुत ज़्यादा होता है, UPSC का अगर तैयारी करोगे एक एक कोर्स फीस 1-1 लाख रुपया होता है, बात समझ, 1.5 लाख रुपया कोर्स फीस, सिर्फ ट्यूशन का फीस बता रहे हो, ये होता है। आप CA करने जाइए तो जो लोग CA कर रहे हो आपको पता होगा एक एक तो लेवल का फीस 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार होता है। हम लोग का देखिए एक तो सेमेस्टर का फीस 1500-2000 होता है। सीन क्या है आपको, अच्छा हम अगर 20 हज़ार रुपया लेंगे तो ट्यूशन पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कॉमन सा बात है, क्योंकि कोर्स के ऊपर मैटर करता है ना कि कौन आपका कस्टमर है, हुम यू आर टारगेटिंग, किसको पढ़ा रहे हो आप। अच्छा कोई बच्चा क्लास 1 का बच्चा को आप ट्यूशन पढ़ाने के, अब बोलेगा हम 1800 रुपया महीना लेंगे, बोलेगा हम 28 हज़ार रुपया महीना लेंगे, 31 हज़ार रुपया महीना लेंगे, कोई ट्यूशन पढ़ाएगा, बोले मुंह देखे हो अपना भागो इधर से, कोई नहीं पढ़ाएगा, क्यों बोलिए, क्योंकि आदमी कस्टमर बहुत मैटर करता है, कौन कस्टमर है। तो कभी भी जब दाम बोलते हो ना कस्टमर देख के बोला करो,
कस्टमर को देख के भी दाम सेटिंग होता है कि हु इज माई कस्टमर। अगर हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट कौन यूज करेगा, रिच कस्टमर या पुअर कस्टमर? अगर रिच कस्टमर है तो उसके हिसाब से प्राइस सेट करिए। जैसे सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसा लोगों का लोग मानते हैं कि सीबीएसई के लोग, सीबीएसई में कोई पढ़ा मतलब अमीर हो, ऐसा एक माइंड सेट है कोलकाता में हम लोग का माइंड सेट है कि कोई सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है। अगर आप लोग का कोई भाई बहन सीबीएसई आईएससी में पढ़ता होगा और आप अगर घर में होम ट्यूशन के लिए कोई टीचर को बुलाइए तो जैसे बोलेगा ना सीबीएसई में, बोलेगा वो अच्छा 3000 रुपया महीना लगेगा, जैसे बोले बंगाल बोर्ड, बोले अच्छा 300 रुपया महीना लगेगा। डिफरेंस क्या हो गया बताइए? स्टेट बोर्ड है, मतलब आदमी का माइंड में क्या है, स्टेट बोर्ड है, भले स्टेट बोर्ड में कितना बड़ा स्कूल में पढ़ा, लेकिन अगर स्टेट बोर्ड में है तो भाई सस्ता सस्ता होगा। और कोई अगर मान लीजिए इंटरनेशनल बोर्ड में है, नेशनल बोर्ड में है, आईएससी सीबीएसई में है, तो भाई बहुत अमीर लड़का होगा, बहुत अमीर घर का होगा, तो एक माइंडसेट बन जाता है आदमी का। तो सामान का दाम सेट करने के टाइम में ना इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है कि कस्टमर आपका कैसा है, कौन आपका कंज्यूमर है, किसको आप सामान बेच रहे हो। आप सोच कर देखिए, अगर बिरसुल हाट में जहाँ पे चप्पल बिक्री होता है, अगर बिरसुल हाट में 5000 रुपये करके जूता बेचेगा तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। लेकिन वही जूता अगर बाटा में जाता है, वही जूता अगर श्रीलेदर में जाता है तो उसका दाम 5000 हो जाता है। तो ब्रांडिंग बहुत मैटर करता है, प्राइसिंग बहुत मैटर करता है, पोजीशनिंग बहुत मैटर करता है कि प्रोडक्ट कहाँ पे बेच रहे हो, किस जगह पर बेच रहे हो, बहुत मैटर करता है। तो कोई भी सामान का दाम ऐसे नहीं कि रात में सोए सुबह उठ के प्राइस सेट कर दिया, नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से वो फैक्टर है, जितना समझोगे उतना बना के लिख पाओगे, बना के लिख पाइएगा। अगला बाबू, मार्केटर्स शुड कंसीडर वेरियस कंज्यूमर फैक्टर व्हाइल फिक्सिंग द प्राइसेस। कंज्यूमर का क्या क्या फैक्टर बाबू? कंज्यूमर कैसा है, कंज्यूमर कहीं चेंज तो नहीं हो जाएगा अगर हम दाम बढ़ा दिए, कहीं कस्टमर हमको छोड़ के तो नहीं चलाएगा, ये सारा चीज सोचना चाहिए, बात समझे। अगला है परचेजिंग पावर, कस्टमर का क्या है, कस्टमर खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा, ये भी बहुत मैटर करता है। अच्छा, कोलकाता के रास्ता में आप तो गाड़ी वाड़ी देखते हो, कोलकाता का रास्ता में आप बहुत कम BMW कार देखिएगा, कोलकाता का रास्ता पे आप बहुत कम BMW कार देखिएगा, बहुत कम महंगा महंगा गाड़ी देखिएगा, क्योंकि यहाँ का कस्टमर का प्रोफाइल अलग है। वही आप बैंगलोर जाएंगे, बैंगलोर का कस्टमर का प्रोफाइल अलग है, चेन्नई का कस्टमर का प्रोफाइल अलग है, मुंबई का कस्टमर, मुंबई में बहुत अमीर लोग रहते हैं। इस देखिए एक्चुअली स्टेजेस हम लोग वेस्ट बंगाल है और कोलकाता है, तो कोलकाता वैसे महाराष्ट्र है और मुंबई, तो मुंबई में बहुत रिच कस्टमर लोग हैं, बहुत हाई प्रोफाइल कस्टमर लोग हैं, वो लोग में वहाँ पे आपको खाली महंगा महंगा ही गाड़ी दिखेगा। तो यहाँ पर सीन क्या होता है, जानते हैं कस्टमर कौन है, ये बहुत मैटर करता है। कस्टमर का परचेजिंग पावर क्या है, कस्टमर प्रोडक्ट खरीद पाएगा या फिर नहीं खरीद पाएगा, ये सब बहुत मैटर करता है। उसके बाद अगला है ऑब्जेक्टिव, जो आपको ऊपर में पढ़ा दिया ऑलरेडी, ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट इसमें ऐड कर दीजिएगा कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन है तो सस्ता बेचोगे, अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो महंगा बेचोगे, और अगर आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटस मेंटेन करना है तो भी आप महंगा बेचोगे, क्योंकि स्टेटस तभी बनेगा जब आप महंगा प्रोडक्ट बनाओगे। इसीलिए अपना थोड़ा वेट बढ़ाइए, वेट बढ़ाइए मतलब जिससे तिससे बात मत करिए, जिसका तिसका मैसेज का रिप्लाई मत करिए, तभी तो आपका वेट बनेगा। लेकिन आप जिससे तिससे बात कर ले रहे हो, जिसका तिसका मैसेज का रिप्लाई दे रहे हो, तो आपका वेट क्या हो जा रहा है, वो खत्म है, फिर आप सस्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सस्ता। देखिए अगला, देखिए अब ये बहुत अच्छा बात बोला, ये बहुत अच्छा चीज है, देखिए इंटरेस्टिंग बात बोला है, इमेज ऑफ द फर्म। जो कंपनी प्रोडक्ट बेच, देखो जो कंपनी प्रोडक्ट बेच रहा है उसका ब्रांड भी मैटर करता है, बात समझिए। एक सिंपल सा चीज देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक फोन लेकर गए, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे, आप एक फोन लेकर गए ओप्पो का, तो ओप्पो का भी ना फोन जो है, एक एक तो फोन 50-50 हज़ार का फोन आता है, ओप्पो का भी 50,000-70,000 का फोन है, नहीं है ऐसा नहीं। मान लीजिए आप ओप्पो का फोन लेके आए 70,000 रुपया में, तो जब आप ओप्पो का फोन 70,000 का लेके आओगे, आप क्लास में मान लीजिए वीडियो बनाओगे, तो आपसे पूछेंगे बाबू कितना मिली, आप बोले 70,000 में लिए, तो हो सकता है मन में हम 2-3 गाली आपको दे दे, मन में बोले कैसा डैस है, डैस है, डैस है, 70,000 में ओप्पो का फोन ले लिया, हमें ऐसा क्यों बोल रहे, सोचिए। ये एक आदमी का ना इमेज होता है, हर एक कंपनी का एक इमेज होता है। अगर ओप्पो का फोन आप 70,000 में खरीदोगे तो लोगों के ऊपर एक बैड मैसेज जाएगा, बोले क्या 70,000 में ओप्पो का फोन ले लिया, पगला है क्या, उससे अच्छा आईफोन ले लेता। पीपल आर रेडी टू पे इवन 70 lakhs फॉर द आईफोन, लोग 70 lakh तक भी दे सकते हैं आईफोन के लिए, लेकिन वो बात नहीं, लेकिन आदमी 70,000 भी देने के तैयार नहीं है ओप्पो के लिए, क्योंकि कंपनी का इमेज बहुत मैटर करता है। आप ओप्पो वीवो का फोन अगर 60,000-70,000 में लीजिएगा तो समाज आपके ऊपर हंसेगा, लोग आपके ऊपर पत्थर मारेंगे ये सोच के कि कैसा पगला है, देखो 70,000 में ओप्पो का फोन लिया, बात समझ। लेकिन वही अगर मान लीजिए आईफोन आप 60 lakh का भी ले लीजिएगा तो भी आदमी बोलेगा हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, आईफोन है तो हो सकता है। सीन समझिए, कंपनी का इमेज बहुत मैटर करता है, इमेज के हिसाब से प्राइसिंग होता है, कि आपके ब्रांड का एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, लोग आपका वैल्यू कितना समझते हैं, लोगों की नज़रों में आपका क्या वैल्यू है। पीपल विल पे ओनली दैट फॉर यू, लोग सिर्फ उतना ही पेमेंट आपको करेंगे जितना उनका वैल्यू आपके नज़रों में होगा, बात समझिए। सीन समझ रहे हो ना? तो देखिए, जैसे आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर मान लीजिए आपका कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहाँ पर अगर आपसे कोई ओकेशन में 200-500 भी मांगता है, तो बोले 200 रुपया, 500 रुपया, बाप रे इतना पैसा मांगा।
चलिए जैसे 15 अगस्त है, आपका कॉलेज आपको बोला बाबू तुम लोग 20-20 रुपये देना, लड्डू और जलेबी खिलाएंगे उस दिन। आपने कहा 20 रुपया, क्योंकि शायद आप अपना कॉलेज के लिए 20 रुपया देने को रेडी नहीं, उसका वैल्यू आपके नज़रों में 20 रुपये के बराबर भी नहीं। लेकिन कोई अगर मान लिया भवानीपुर में पढ़ उसका कॉलेज में बोलेगा बाबू तुमको 1000 रुपये लेके आना, वो 1000 रुपये रेडी देने के लिए। क्या है उसको पता है कि भाई हम इस कॉलेज में पढ़े, हमको यहाँ पे महंगा पैसा देना ही पड़ेगा। आर एक्सपेंसिव कोई भी चीज़ के लिए 1500 भी अगर आपसे मांगा जाएगा, आप इजीली 1500 आपके लिए नॉर्मल चीज़ होगी। आप मान लीजिए कोई बच्चा अगर भवानीपुर में पढ़ा तो लोगों का माइंड में क्या इमेज है कि लड़का बहुत अमीर होगा, एक इमेज बन जाता है ना मार्केट में। तो कोई भी प्रोडक्ट जो बिकता है मार्केट में ना, एक इमेज बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि किस प्रोडक्ट के लिए आप कितना पैसा देने को रेडी हो। जैसे एक सिंपल सी चीज़ सोचो, आप अपना एरिया में एक कचौड़ी दुकान में कचौड़ी खाते हो, दुकान में कचौड़ी बहुत अच्छा रखता है, अच्छा पूड़ी है, खाने में भी अच्छा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो अगर आपको बोलेगा कि 2 पूड़ी का 100 रुपया यू वॉन्ट पे फॉर दैट, लेकिन वही हल्दीराम में जाकर के आप 2 पूड़ी का 100 रुपया ठीक देके आओगे। क्यों बोलो तो आपका इमेज फैक्टर है, सीन समझ। आप एरिया का दुकान में छोला भटूरा खाने जाइएगा, 20 रुपया में चाट हो देगा, बहुत अच्छा छोला भटूरा है, बहुत मजा आया खा के, फिर भी आपसे अगर 200 मांग लेगा आप नहीं दोगे। आप हल्दीराम में ठीक जाके 150 रुपया उसका देके आओगे। क्यों? क्योंकि इमेज ऑफ द फर्म, कंपनी का इमेज बहुत बड़ा फैक्टर होता है, याद रखिएगा। यू आर पेइंग फॉर द इमेजेस। आदमी ब्रांड का पेमेंट करता है। सबसे अच्छा आपका एरिया का गली का दुकान में चिकन पकौड़ा अगर आपको मिलेगा, देखो 10 रुपया पीस करके चिकन पकौड़ा देता है, आप खाते भी हो, लेकिन वही दुकान वाला अगर आपसे 100 रुपया मांग लेता है तो आप गाली देने लगते हो। लेकिन ठीक KFC में आके 700-800 रुपये में 2 चाट चिकन पकौड़ा खा के आते हो। सीन क्या है? इमेज के लिए पैसा देते हो आप। किसके लिए पैसा देते हो? इमेज। पीपल पे फॉर द ब्रांड्स। लोग ब्रांड का वैल्यू देके आते हैं। सोच के देखिए आप, लोग किसका पैसा देके आते हैं? ब्रांड। तो यू आर पेइंग फॉर द ब्रांड। अगर आपका कंपनी का ब्रांड है, KFC वाला लोग 600-700 रुपये से नीचे कुछ देता नहीं, लेकिन आप इजीली पे करते हो। वही आपका एरिया में अगर उसी टाइप का चिकन पकौड़ा बना के दे, आप खा भी लेते हो, आप दो गाली भी मन में दे देते हो। सीन क्या बताइए? यू आर पेइंग फॉर द इमेजेस ऑफ द फॉर्म, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आप जो तो नहीं लिख पाइएगा आंसर में, पॉइंट्स है, पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन वो लिखना पड़ेगा। अगला है इकोनॉमिक कंडीशन। कंडीशन कंट्री का कंडीशन मैटर करता है। जैसे कोविड के टाइम में हम लोग बहुत ही डाउन में चले गए थे, अब कंट्री में गरीबी चल रहा है, कंट्री में खाने के लिए आदमी का पैसा नहीं है, वहां पे आप बर्गर पिज्जा बेचिएगा, आदमी खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रोडक्ट देश में, देश का कंडीशन क्या है, उसके ऊपर भी महंगाई डिपेंड करता है। अगर देश में लोग गरीबी में है, देश का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है तो सामान सस्ता बिकेगा। देश का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, लोग बहुत अमीर है तो सामान महंगा बिकेगा। देखिए अगला है कॉस्ट। सबसे मेन फैक्टर था लास्ट में लिखा हुआ टाइपिंग में, कोई बात नहीं। कॉस्ट का मतलब होता है, माय डियर स्टूडेंट, योर प्राइस डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट। हायर द कॉस्ट, हायर द प्राइस, लोअर द कॉस्ट, लोअर द प्राइस। अगर मान लीजिए, सिंपल सा चीज है, अगर मान लीजिए हम कोचिंग का बुक आपको दे रहे, तो उसका जितना मेरा कॉस्टिंग है उसके हिसाब से प्राइसिंग। अगर मान लीजिए मेरा कॉस्टिंग बहुत हाई हो जाए, अब जैसे सिलेबस वाला जो बुक्स मार्केट में बिकते हैं 400-500 रुपया दाम, क्योंकि उसमें पेजेस ज्यादा लगा है। कॉस्ट अगर हाई होगा तो प्राइस भी हाई होगा, कॉस्ट अगर लो होगा तो प्राइस भी लो होगा। सिंपल से प्राइसिंग कॉस्ट पे डिपेंड करता है, ये स्ट्रेट पॉइंट है, ये आप देख के समझेंगे। अगला है देखिए क्रेडिट ऑफरिंग्स। बहुत अच्छा बोला, क्रेडिट पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग देखो, एक्चुअली क्या है ना, हम लोग स्पेशली हम लोग जो इंडियन कस्टमर है, हम लोग का एक माइंडसेट है। क्या माइंडसेट है? एक वजह से बात समझ, आपको एक तो बाइक लेना है। अब अगर आपको 2 लाख का बाइक लेना है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू पे 2 लाख एट अ टाइम। हर व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं कि 2 लाख रुपया देकर एक तो बाइक ले ले। तो आदमी क्या करता है? EMI पे जाता है। लेकिन आदमी को ना EMI बहुत अच्छा लगता है। क्या है? EMI में आप पार्ट में पेमेंट करते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है ना कि हमको सस्ता मिल गया, बट सस्ता नहीं मिलता। और आजकल तो 0 डाउन पेमेंट सिस्टम हो गया, लेकिन आपको पता है 0 डाउन पेमेंट के कारण प्राइसिंग हाई हो गया। कहे जहां पर 20,000 का सामान, जैसे अगर ये मान लीजिए मेरा 45,000 का AC है, ठीक है, अगर हम इसको लोन पे लेंगे तो ये 70,000 पहुंच जाता, 50,000 पहुंच जाता, 65,000 पहुंच जाता, 60,000 जो भी पहुंचा, उससे ज्यादा तो होता। अगर 50,000 भी होता तो 5,000 तो आपको ज्यादा चला गया। लेकिन ये हम लोग समझते नहीं, हम लोग क्या सोचते हैं? EMI में मिल गया। अब देखो EMI का कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेज ये है कि मान लीजिए मेरा ये औकात नहीं है, मेरा ये हैसियत नहीं है कि हम एक बार में 2 लाख रुपया का बाइक खरीद सके, बट मेरा ये तो औकात है ना कि हर महीना हम 2,000-3,000 करके EMI दे सके। देखो पहले फ्रिज, AC, TV ये सब बहुत महंगा होता था। पहले किसी किसी इंसान के घर में फ्रिज, AC, TV होता था। अभी फ्रिज, AC, TV एक कॉमन चीज हो गया, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, बिकॉज ऑफ EMI सिस्टम। पहले बाइक भी बहुत बड़ा बात होता था, किसी किसी के पास बाइक होता था। अभी बाइक भी एक साधारण चीज है, कोई बेबला डेबला बेबला बाइक ले ले रहा है। तो बाइक लेने का मतलब ही नहीं कि बहुत बड़ा बात है, बात समझिए। आप कोई भी ले सकते हैं, आजकल कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, समझिए, बात समझिए। हम लोग बात समझे ना, पहले क्या होता था, कोई कोई आदमी गांव में या शहर में किसी किसी के पास बाइक होता था, और इसीलिए बात नहीं बाबू, इसीलिए लोग पहले ना दहेज में बाइक मांगते थे, क्या उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। सोचिए एक मिनट, सिंपल सा चीज सोचिए ना,
आदमी दहेज में कौन सा चीज मांगता है सोच के देखो, तो डीपली आदमी दहेज में वो चीज मांगता है ना दैट दे कांट अफोर्ड, उनको लग रहा है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आदमी वो चीज दहेज में मांग रहा है। अब सोचिए पहले जमाना में ना जब भी किसी का बेटी का शादी होता था ऑलमोस्ट लोग बोलते थे कि ज्यादा कुछ नहीं एक तो बाइक दे दीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं बाबा एक तो बाइक दे दीजिए, तो ज्यादा कुछ नहीं का मतलब क्या हो गया उस समय में, एक बात बताइए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वेरी मच मैटर्स, वक्त के साथ तो पैसा वैल्यूबल होते जाता है। उस समय 1 लाख भी बहुत बड़ा बात होता था, आज से 5 साल 10 साल पहले एक बाइक खरीदना बहुत बड़ा बात था, तो अच्छा अच्छा आदमी बाइक अफोर्ड नहीं कर पाते थे तो वो लोग दहेज में बाइक मांगते थे। अभी आदमी क्या करता है कार मांगता है क्योंकि बाइक नॉर्मल हो गया, तो आदमी बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं 20 लाख का एक तो गाड़ी दे दीजिए, बाबा ज्यादा कुछ नहीं 20 लाख का गाड़ी दे दीजिए, तो 20 लाख रुपया तो बहुत बड़ा बात हो गया ना। तो आदमी जो चीज खरीद नहीं पाता है उसको डाउरी में मांग लेता, दहेज में हमको ये वाला चीज दे दीजिए प्लीज, क्या उसको पता है कि चीज हम कभी जीवन में अचीव नहीं कर पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहां पर भी सेम चीज है, क्रेडिट पीरियड, अगर कोई चीज लोन पे लीजिएगा उधार लीजिएगा तो चीज महंगा मिलेगा, याद रखिए, एंड यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और अभी क्या सिस्टम, अभी तो डाउन पेमेंट का भी सिस्टम खत्म हो गया, जीरो डाउन पेमेंट, मतलब डाउन पेमेंट नहीं देना, आपको डाउन पेमेंट देना ही नहीं है, आप भाई खाली ईएमआई दो। तो कंपनी वाला क्या करता है, आपका प्रोडक्ट का प्राइस, आपका प्रोडक्ट का प्राइस प्लस उसमें इंटरेस्ट पूरा को जोड़ करके, आप जब आगे फर्दर सेमेस्टर्स में आओगे तो आप लोग का सिलेबस में दिया हुआ एक चैप्टर है हायर परचेज, वहां पे अकाउंट्स में आप पढ़ोगे लोन का कैलकुलेशन कैसे होता है, डाउन पेमेंट रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, सारा को जोड़ करके प्रिंसिपल अमाउंट को जोड़ करके वो लोग, जैसे 3 साल का कराइए तो 3 पार्ट में 36 महीने से डिवाइड कर दिया, 5 साल का कराए तो 60 महीने से डिवाइड करके उसके बाद आपका एक अमाउंट मिल गया। तो आपको क्या लग रहा कि आई कांट पे 2 लाख रुपीज बट आई कैन पे 4,000-5,000, तो आपके लिए इजी हो गया। तो लोगों का फायदा ये हुआ कि लोगों के पास सामान बहुत इजीली अवेलेबल हो गया, लेकिन इजीली अवेलेबल तो हो गया लेकिन सामान महंगा हो जाता है, याद रखिएगा। अगर आप कोई चीज़ ईएमआई पे लेते हो ना उसका सही से कैलकुलेशन करिएगा तो सामान आपका महंगा हो जाता है। क्रेडिट पीरियड जितना ज़्यादा होगा ना बाबू सामान उतना महंगा होगा, याद रखिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द क्रेडिट पीरियड ऑफर्ड बाय द कंपनी, लॉन्गर द क्रेडिट पीरियड हायर विल बी द प्राइस एंड शॉर्टर द क्रेडिट पीरियड लोअर विल बी द प्राइस। अच्छा अगला है, देखिए देखिए अब इसमें ना अगला टॉपिक है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, अगला टॉपिक क्या होगा बताइए, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, ध्यान दीजिएगा। ये देखो तब से 2 टॉपिक पढ़ा है आपको, पहला प्राइस क्या होता है, दूसरा प्राइस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। अब तीसरा टॉपिक इस चैप्टर का है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिएगा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी तक आज आपको पढ़ाएंगे कि कस्टमर से कैसे प्राइस चार्ज करेंगे, हाउ विल यू चार्ज द प्राइस। तो इसमें बहुत सारे स्ट्रेटजीज है, पहला है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए इंटरेस्टिंग चीज, आप लोग वाह क्या है, ये भी चीज पढ़ाया आप। माय डियर स्टूडेंट साइकोलॉजिकल प्राइस, आप लोग ना फ्लिपकार्ट अगर यूज करते होंगे या फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन एप्स देखोगे, इवन कोचिंग का भी आप देखोगे पोस्टर देखोगे, देखिए जैसे हम लोग कोचिंग का भी सेमेस्टर 2 का अभी का ऑनलाइन फीस है 1499 99 क्यू, सोचिए साइकोलॉजी है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, देखिए साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है ये 99 क्यू, 1500 बोल दीजिए ना, बहुत सारे बच्चे तो 1500 ही भेज देते, ये 1499 क्या है सर साइकोलॉजी, आपको क्या लग रहा 1499 और सर 1500 बाप रे 1500 सोच के आप बोले 999 रुपया फीस है, 999 1000 बाप रे 1000, तो एक साइकोलॉजिकल फीलिंग, एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होता है। आप सबसे अच्छा देखोगे, सबसे अच्छा तो कौन खेलता है, फ्लिपकार्ट वाला लोग, इधर देखिए फ्लिपकार्ट वाला लोग आपके साथ कितना जबरदस्त खेलता है, देखिए वो लोग का प्राइसिंग ऐसे रहता है, देखिए 4999 था लेकिन तुमको हम दे रहे हैं 199 में, जाओ अब आप मम्मी को क्या बोले, मम्मी 4999 का शर्ट सिर्फ 199 में आया, तो मम्मी बोली सच में, बोला हाँ मेरे लिए सिर्फ ऑफर है हमको दे रहा कंपनी, मम्मी को आप बोले कि कंपनी सिर्फ आपको ऑफर दे रहा, मम्मी ठीक है खरीद लो। जब ये शर्ट आप मंगाते हैं, जब ये शर्ट आप मंगाते हैं तो देखते हैं कि पूछने वाला कपड़ा, पूछने वाला जो घर में ये ना बर्तन वर्तन पूछने वाला कपड़ा देती है, सीन क्या बताइए, ए 499 ले रहे हो कितना में 199, लेकिन ये क्या बताइए साइकोलॉजिकल प्राइसिंग है कि भाई इतना का दाम था इतना मैं आपको दे रहे, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, खेलो किसके दिमाग से, लोगों के दिमाग से खेलो, किसे खेलो दिमाग से, जो सीख रहे हो उसको यूज करो अपना लाइफ में, पढ़ाई कर रहे हो उसको यूज कर, देखो हम लोग अपने कोचिंग का फीस ऐसे मार के रखे हुए 999 वाला सिस्टम क्या है, साइकोलॉजी क्या बाबू साइकोलॉजी। देखिए फॉर एग्जाम्पल कंपनी विल प्रोडक्ट का प्राइस, देखो क्या बोला है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजी अप्रोच ऑफ गैदरिंग कंज्यूमर्स इमोशनल रिस्पॉन्ड, कंज्यूमर का रिस्पॉन्स करिए, इमोशनल रिस्पॉन्ड करिए। सेमेस्टर 5 का क्लास चला था, लास्ट ईयर 6 का क्लास चला था, तो आपका कोई ओकेशन भी था, हाँ होली आया था, तो हम वहाँ पे लिख दिया होली ऑफर, पहले फीस था 2199 और उसके बाद 2190। अब आदमी बहुत आदमी एडमिशन ले रहा है, सर आज होली ऑफर है, कितना रुपया डिस्काउंट बोलिए, तो 9 रुपया, कितना रुपया 9 रुपया सिर्फ डिस्काउंट दिया, कितना रुपया डिस्काउंट दिया 9, और उस 9 रुपया के कारण कितने सारे लोग उसने एडमिशन ले ली, क्या है उनको ऐसा लगा कि ये कस्टमर मतलब आज डिस्काउंट है, बट डिस्काउंट क्या है 9 रुपया डिस्काउंट, इमोशनल रिस्पॉन्ड,
इमोशनल रिस्पॉन्ड, कस्टमर इमोशनली रिस्पॉन्ड करते, याद रखिएगा। इसीलिए इस तरह से आपको चार्ज करना है। अगला है प्रमोशन, प्राइसिंग फॉर प्रमोशन। बहुत बार हम लोग ना प्रमोशन के लिए प्राइस अलग होता है, आज जब प्रोडक्ट कस्टमर यूज करने लगता है तो प्राइस अलग कर देते हैं, गलत है ये एक तरह से। प्रमोशनल प्राइसिंग इज वेरी कॉमन दिस डेज, विल फाइंड इट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। प्राइसिंग इज अ प्रमोशनल, प्रोडक्ट इज अनदर वेरी यूजफुल हेल्पफुल स्टडी। दिस प्रमोशन ऑफर कैन इंक्लूड डिस्काउंट ऑफर, गिफ्ट मिलेगा, कूपन मिलेगा, वाउचर मिलेगा, बाय वन गेट वन, एक तो लीजिए एक तो फ्री मिलेगा, ये सब अलग अलग प्राइसिंग है टू प्रमोट न्यू प्रोडक्ट। तो ये भी एक तरीका है, प्रमोशन करके गिफ्ट वाउचर डिस्काउंट दे करके लोग प्रोडक्ट को प्राइसिंग करते, याद रखिएगा। बट याद रखिएगा, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड एंड इफ समथिंग इज फ्री यू आर द कॉस्ट। जिंदगी में हमेशा इस चीज को याद रखना है, दुनिया में फ्री कोई भी चीज नहीं होता है, और अगर कोई चीज फ्री में मिलने लगे तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ बड़ा प्लान आपके साथ हो रहा है, याद रखिएगा। अगला है पेनेट्रेशन प्राइसिंग, वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक। पेनेट्रेशन प्राइसिंग ही तो जियो वाला किया, इसको स्टडी बोलते हैं। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है कीप द प्रोडक्ट प्राइस लो एट द इनिशियल स्टेज, अपना प्रोडक्ट का प्राइस स्टार्टिंग में कम रखिए, और जैसे कस्टमर अट्रैक्ट हो गया प्राइस को बढ़ा दीजिए, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। क्या बोलते हैं बाबू? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। देखिए, दिस स्ट्रेटजी यूज बाय द कंपनीज ओनली टू सेट अप देयर कस्टमर। फ्यू कंपनीज दैट कीप देयर प्रोडक्ट कॉस्ट लो एज देयर इंट्रोडक्टरी ऑफर, दैट इज अ वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स इन द मार्केट। सिमिलरली व्हेन द कंपनीज वांट टू प्रमोट अ प्रीमियम प्रोडक्ट, कंपनी स्टार्टिंग में प्राइस सस्ता रखता है, जब देखता है कस्टमर अट्रैक्ट हो गया तो प्राइस बढ़ा देता है। अब अगला ये वैल्यू प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जो आपको हम पढ़ाए। वैल्यू प्राइसिंग डज नॉट मीन कि आप कितना वैल्यू ऐड किए, वैल्यू प्राइसिंग मतलब आपके प्रोडक्ट का कस्टमर के नजरों में कितना वैल्यू है, कस्टमर उसके हिसाब से आपको पे करता है। अगला है प्राइसिंग ऑप्शनल प्रोडक्ट। देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस को घटा देता है, बात समझे, क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर हम नहीं घटाएंगे तो कोई और मेरा प्रोडक्ट को बेच लेगा, या कोई और कंपनी प्रोडक्ट को बेचेगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट, मेरा जैसा बहुत सारा प्रोडक्ट मार्केट में है, तो अपना प्रोडक्ट को आप सस्ता ही बेचते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप महंगा करोगे तो दूसरा आदमी अपना प्रोडक्ट बेच लेगा, मार्केट को कैप्चर कर लेगा। प्राइसिंग ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट मतलब इनका प्राइस बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि दे आर ब्रांड्स, जैसे आईफोन है, बीएमडब्ल्यू कार है, ये सब महंगा है क्योंकि वो लोग ब्रांड है। बोले क्या बाबू? ब्रांड। इसमें एक और अप्रोच है जो यहाँ पे दिया नहीं है, टाइपिंग मैंने किया है, ऊपर में लिख लीजिए, स्कीमिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं उसको। एक और स्ट्रेटजी लिख लीजिए, आज का क्लास यहीं तक करेंगे। देखिए, स्कीमिंग स्ट्रेटजी, स्कीमिंग स्ट्रेटजी, देखिए इधर, देखिए स्कीमिंग स्ट्रेटजी हेडिंग दे दिए ना, इधर आइए आस्ते, हेडिंग दे दिए स्कीमिंग स्ट्रेटजी। देखिए इधर, देखिए स्कीमिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, सुनिए। स्कीमिंग स्ट्रेटजी में कंपनी क्या करता है, दे सेल देयर प्रोडक्ट एट वेरी हाई प्राइस, एंड दे ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन हाई प्रोफाइल कस्टमर्स। लोग अपना प्रोडक्ट को बहुत महंगा बेचता है, और उन लोग का दिमाग में ये चलता है कि हम सिर्फ हाई प्रोफाइल कस्टमर को ही प्रोडक्ट बेचेंगे। जैसे एप्पल कंपनी, एप्पल कंपनी ये स्ट्रेटजी फॉलो करता है, स्कीमिंग स्ट्रेटजी, जिसमें दे कैप्चर द क्रीम ऑफ द मार्केट, जो मार्केट के जो रिच कस्टमर्स है, जो हाई प्रोफाइल कस्टमर्स है, उन लोगों को ही कैप्चर कर लेता है। लिखिए इसमें अंडर दिस स्ट्रेटजी, ऊपर में थोड़ा सा जगह लिख लीजिए ना, अंडर दिस स्ट्रेटजी, अंडर दिस स्ट्रेटजी प्रोडक्ट प्राइस, अंडर दिस स्ट्रेटजी प्रोडक्ट प्राइस, अंडर दिस स्ट्रेटजी प्रोडक्ट प्राइस आर केप्ट हाई, बात नहीं, अंडर दिस स्ट्रेटजी प्रोडक्ट प्राइस आर केप्ट हाई, अंडर दिस स्ट्रेटजी प्रोडक्ट प्राइस आर केप्ट हाई टू कैप्चर रिच कस्टमर्स, टू कैप्चर रिच कस्टमर्स। आप प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा रखते हो क्योंकि आपको रिच कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। ठीक, और भी बहुत कुछ सीखने को है, एक क्लास और करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, चलिए।